हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज एक फिर नया वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल प्रत्येक परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश आदि देखने को मिलती है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से कुछ उपाय, इसके बारे में भी कुछ उपाय लेके जरूर आ जाना चाहिए, और इसी के ऊपर आज कुछ उपाय लेके आई है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए और इस उपाय अजमाने से आपका परिवार सुखमय हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, घरों में होने वाली झगड़े से कई बार बसे बसाई घर टूट जाता है और गृह कलेश से मन मुटाव होता है तो तनाव भी रहता है। कई बार गृह कलेश प्रचंड रूप ले लेती है। छोटी मोटी नोक झोंक होना भले ही परेशानी वाली बात ना हो, लेकिन बड़ी लड़ाइयाँ और झगड़े का उपाय जल्द ही सोच लेना चाहिए। इसीलिए हम दोस्तों आपको आज गृह कलेश खत्म करने के लिए कुछ उपाय लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, गृह कलेश के उपाय। नंबर एक, अगर हमेशा गृह कलेश रहती है तो सोमवार को शिव मंदिर में नारियल चढ़ाइए और इस नारियल को फोड़ के चढ़ाइए। दोस्तों, तो जो नारियल में पानी होती है उसमें दूध मिला लीजिए, दूध में मिश्रण कर लीजिए, और उसी जो दूध में नारियल का पानी मिश्रण किया हुआ है उसके आधा शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद जो बाकी रह जाए तो उसको घर में ले जाइए और खीर बनाकर उस खीर में उस मिश्रण कर लीजिए, और समस्त परिवार को, सभी परिवार को इससे प्रसाद के रूप में खिला दीजिए। इस उपाय से परिजनों के बीच में एकता बढ़ेगी। दोस्तों, नंबर दो, घरेलू झगड़ा रोकने के लिए बुधवार को गणेश भगवान का उपवास रखें या उनके पूजा करें। मंदिर में जाकर शुद्ध घी के मोतीचूर के लड्डू चढ़ा दें, चाहे तो लड्डू में चिरौंजी, तुलसी और चना मिलाकर चढ़ाइए। बाकी बचे प्रसाद को घर घर के सभी लोगों को खिलाएं, इससे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, नंबर तीन, गृह कलेश से परेशान व्यक्ति हनुमान मंदिर में जाकर कुछ उपाय कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। मंदिर जाते समय साथ में एक सफेद धागा लेकर हनुमान जी के सिंदूर लगाइए। अब धागे को घर में घर की चौखट पर बांध दीजिए। इस उपाय से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, नंबर चार, घर में लड़ने वाले की कोई चीज दान दे दीजिए। इसमें से आप झगड़ालू व्यक्ति की पुरानी चीजें जैसे जूते चप्पल किसी भिखारी को शनिवार के दिन दान कर दीजिए। इस उपाय से उनका मन परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, नंबर पांच, जिन घरों में हमेशा कलह रहते हैं तो घरेलू शांति के लिए महीनों के अंदर सत्यनारायण की कथा करवाइए। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। गृह कलेश उपाय अपनाने कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में कुछ पता चल पाए, कुछ उपाय अपनाए। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और इस चैनल में पहले बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।